तिथे आयटी अवॉर्ड्स मध्ये पुन्हा एकदा एबीपी न्यूजचा डंका वाजलाय. एबीपी न्यूजच्या अँकर रुबिका लियाकत यांना बेस्ट चॅट शो कॅटेगरीचा पुरस्कार मिळालाय. रुबिका लियाकत यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुलाखतीसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला. तर एबीपी न्यूजच्या घंटी बजाव या शोसाठी बेस्ट न्यूज करंट अफेअर्स शोचा पुरस्कारही मिळाला. जो मोटो है कंपनी का वो ये नहीं है कि हमारे काम को अवार्ड मिले, लेकिन अगर अवार्ड मिलता है तो प्रोत्साहन जरूर मिलता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम और अच्छा करें आगे चल के. जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में 1.5 साल इलेक्शन का है, फेक न्यूज का वातावरण और फैलेगा सोशल मीडिया के थ्रू, उस बीच में कैसे एबीपी न्यूज अपने आप को एज अ वैलिडेशन ऑफ ट्रूथ की तरह न्यूज दिखाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा. और वो जो विश्वास जीतने वाली बात है कि हमारा दर्शकों का भरोसा हमारे ऊपर, उसमें हम हमेशा खरे उतरे और आगे भी खरे उतरेंगे. हम लोग हमेशा लोगों की आवाज बने हुए हैं. लोगों की जो न्यूज चैनल से अपेक्षा रहती है उसको हमने पूरी करने की कोशिश की है. आजकल रेटिंग के होड़ में लोग असली मुद्दों को भूल चुके हैं. ऐसे में हम लोग उन मुद्दों को उठा रहे हैं. बहुत ही निष्पक्षता से हम लोग पत्रकारिता करना जानते हैं, वही हम करना चाहते हैं. और मुझे खुशी है कि हमारी इस पत्रकारिता को हमारे दर्शकों ने अपने सबसे चहेता चैनल का के रूप में नवाजा है. बहुत ही ये अभिमान की और खुशी की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला है. एबीपी न्यूज का मंत्र है आपको रखे आगे. और इस चैट शो की खासियत यही है, चाहे वो हुंकार हो, चाहे वो मास्टर स्ट्रोक हो, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, जैसे योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए ये अवार्ड आईटीए का मुझे मिला है. आपको रखे के आगे मतलब ये था कि एक महिला का सवाल योगी आदित्यनाथ से क्या हो सकता है, एक प्रोफेशनल का सवाल क्या हो सकता है, एक जो युवा है जो नौकरी ढूंढ रहा है उसका सवाल क्या हो सकता है, एक गरीब का सवाल क्या हो सकता है. आपको रखे आगे, आपके सवालों को रखे आगे, और मेरे ख्याल से वो मंत्र काम कर गया. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.